नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। 140 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवा आती है तो उसके सामने कई लोगों की जमी जमाई गृहस्थी के पांव उखड़ जाते हैं। लोग घर के जिस पते को परमानेंट एड्रेस मानते हैं वो कई बार सूखे पत्तों की तरह उड़ जाता है। तूफान से इंसान की लड़ाई में इंसान हमेशा बचाव की मुद्रा में होता है। बंगाल की खाड़ी में आए यास तूफान को भी हमें इस नजर से देखना होगा कि हम इस भयानक तूफान से क्या क्या बचा पाए। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो देखिएगा। साथ में तूफान से लड़ने का उड़ीसा मॉडल भी डिकोड करेंगे। इसके बाद व्हाट्सएप और सरकार के बीच हाईकोर्ट वाले टकराव का विश्लेषण करेंगे। भारत के करोड़ों लोग जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काम की खबर है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा था कि वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले और नई गाइडलाइंस के तहत व्हाट्सएप को जरूरत पड़ने पर मैसेज को ट्रेस करना होगा। इसे लेकर व्हाट्सएप हाईकोर्ट चला गया और कहा कि भारत सरकार की ये गाइडलाइंस लोगों के निजता के अधिकार का हनन है और ये नियम संवैधानिक नहीं है। सवाल यह है कि व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी चलाएंगे या भारत की गाइडलाइंस को मानेंगे। इस टकराव का आपकी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब ढूंढेंगे। भारत में कोरोना की तीसरी लहर आना तय है और इसके असर को कम करने का एक ही तरीका है, जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन। लेकिन भारत में वैक्सीन की उपलब्धता पर ग्रहण लगा हुआ है और जो वैक्सीन है उनकी बर्बादी हो रही है। इस बीच किस तरह मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन की एंट्री भारत में हो सकती है, इसे समझेंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। मॉडर्ना ने बच्चों पर अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे बताए हैं। उसकी ये वैक्सीन बच्चों पर 100% तक प्रभावी और सुरक्षित बताई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज कोविड वैक्सीन को भी अगले साल भारत में उतार सकती है। फाइजर की वैक्सीन की 5 करोड़ डोज 2021 में ही भारत को मिल सकती है। इनमें से 1 करोड़ डोज जुलाई में, 1 करोड़ अगस्त में, 2 करोड़ सितंबर में, 1 करोड़ अक्टूबर में मिल सकती है। फाइजर सीधे भारत सरकार से डील करना चाहती है। यास तूफान ने बंगाल और उड़ीसा में बड़ी तबाही मचाई है। खासतौर पर बंगाल में बड़ा नुकसान हुआ है, जहां 3 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। बंगाल में पहले ही कहा जा रहा था कि यह तूफान अम्फान से भी भयानक होगा और जिस तरह के हालात बंगाल में देखे जा रहे हैं उससे यास तूफान से हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां 1 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इस तूफान ने बंगाल का क्या हाल किया, दीघा की ये तस्वीरें ही खौफनाक हैं। 4 से 5 घंटे वो तबाही मची जो पहले किसी तूफान में नहीं हुई। इस वक्त मैं दीघा सी बीच पर हूं और सी बीच पर जो तबाही मचाई है तूफान यास ने वो मैं दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक का खंभा पूरी तरह से उखाड़ दिया है, इतनी तेज हवाएं चली हैं और ये एक सुलभ शौचालय बनाया गया था ठीक सी बीच पर, उसकी क्या हालत हुई है। पर हवाओं का दबाव, प्रेशर, शक्ति इतनी थी कि लोहे के गेट को भी पूरी तरह से एक तरह से झकझोड़ के निचोड़ दिया है और यहाँ पर जो दीवारें हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, सबको यहाँ पर तबाही पहुंची है। यहां पर ये जो दुकानें हैं, दुकानों के शटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पानी घुस गया था यहां पर, कह रहे हैं यहां पर लगभग एक आदमी डूब जाए इतना पानी आ गया था हवाओं के चलते, और ये सारी की सारी दुकानें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। तूफान का सीधा टारगेट तो उड़ीसा था, लेकिन बंगाल भी बच नहीं पाया। यास को अम्फान से भी ताकतवर बताया गया था, ये बात गलत नहीं थी। समुद्री तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, दीघा के तट पर हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। ये वो मंजर है और इस सड़क पर जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बोल्डर्स तूफान से पहले यहाँ पर नहीं थे। ये बोल्डर्स दरअसल कहाँ थे, ये बोल्डर्स दरअसल ये जो बैरिकेडिंग, ये तटबंध बना हुआ है, इसके उस पार में थे। उस पार में अभी आपको थोड़े से कम बोल्डर्स दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे ही सारे बोल्डर्स रखे हुए थे और इन तूफानी हवाओं ने, तूफान यास ने जो कहर बरपाया है उसके बाद ये बोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं और पूरा का पूरा ये जो बीच है, सी बीच की जो सड़क है, इस वक्त बोल्डर्स से ढकी हुई है। ये बंगाल का वो तटीय इलाका है जो ओडिशा के उस बालासोर से जुड़ा है जहाँ तूफान सीधा टकराया था। लैंडफॉल के साथ ही दीघा के समंदर में भी उफान बढ़ने लगा। 15-15 फीट तक लहरें उठ रही थी। समंदर का पानी कई कई किलोमीटर अंदर तक आ गया। समंदर के आसपास का इलाका डूबने लगा।
कमर तक पानी भी यहाँ भर गया है और ये चारों ओर विस्तीर्ण इलाकों में ऐसी स्थिति आई है। और ये स्थिति पहली बार दीघा में हुई है। समुद्र का पानी सुबह जिस तरीके से समुद्र से बाहर आ रहा था, जो तटबंध बना हुआ है, जो लहरें उठ रही थी, कम से कम 13, 14, 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों ने पूरे इलाके को लेकिन यहाँ पर पानी से भर दिया है। फ्लडिंग की स्थिति हो गई। बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना के बड़े हिस्से पानी में डूबे हैं। तूफान तो चला गया लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया। दक्षिण 24 परगना में ये फ्रेजर गंज की तस्वीरें हैं, जो लैंडफॉल वाली जगह से करीब 300 किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ तूफान बहुत भयानक था। पोखली के पास साउथ 24 परगना के फ्रेजरगंज इलाके में एकदम कोस्टल पुलिस स्टेशन के सामने चक्रवाती तूफान यास के कारण जब उसकी लहरें, उसकी समुंदर के लहरें जब सुबह इस तरफ आई, कोस्ट को हिट किया उन्होंने, तब ये एकदम पुलिस स्टेशन की आप स्थिति देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जेसीबी जो काम करने के लिए यहाँ पे रखा गया था, उसको भी इस तूफान के हवाओं ने और इस लहरों ने यहाँ पे उसको पूरा एकदम नीचे फेंक दिया। दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में तूफान से घर के घर गिर गए। बंगाल में करीब 3 लाख घर इस तूफान में तबाह हुए हैं। कम से कम 1 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ा है। আমাদের সকলে তৎপরতার সাথে কাজ করেছে বলে এখনো পর্যন্ত আমরা বাঁচাতে পেরেছি। একটাও ঘটনা ঘটেনি। একটা যে ঘটনা ঘটেছে আপনারা শুনলেন, সে রেস্কিউ হয়েছিল কিন্তু সে মাছ ধরতে গেছে। রাহত আর বাঁচাও মে রাজ্য সরকার কি টিমো কে সাথ NDRF और सेना भी जुटी है। इसमें बड़ी चुनौती यह है कि जगह जगह इलाके डूबे हैं और आगे जगह जगह भारी बारिश भी हो सकती है। तूफान से पहले बंगाल में करीब 15 लाख लोगों को खतरे वाली जगह से हटा लिया गया था, लेकिन तूफान से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अगले 72 घंटे में ही हो सकेगा। दीघा से अनुपम मिश्र के साथ सूर्याग्नि रॉय, दक्षिण 24 परगना आज तक। यास तूफान उड़ीसा तट से टकराकर और उड़ीसा बंगाल में तबाही मचाकर आगे बढ़ गया है, लेकिन यास के जाने के बाद भी उड़ीसा और बंगाल में कल तक भारी बारिश होती रहेगी। तूफान उड़ीसा के मयूरभंज जिले को पार करते हुए आधी रात तक झारखंड पहुंचेगा। झारखंड में इस तूफान में हवा की रफ्तार 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। झारखंड और बिहार के कई इलाके जो हैं वहां पर आज शाम से ही भारी बारिश का अनुमान बताया गया था। 27 और 28 मई यानी कल और परसों उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी भारी बारिश की चपेट में आ सकते हैं। यास तूफान से पहले उड़ीसा और बंगाल ने खतरे वाले इलाकों से लाखों लोगों को बाहर निकाल लिया था। इससे ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई गईं, लेकिन जो दूसरी तबाही हुई है उसे ऐसे ताकतवर तूफान के सामने रोकना मुश्किल था। यास से उड़ीसा में भी बहुत नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यास से जो डर था वही हुआ। ओडिशा के कोस्टल लाइन में जगह जगह तबाही है। पेड़ गिर गए हैं, घर गिर गए, पोल उखड़ गए। बालासोर और भद्रक में बहुत भयानक हाल है। बालासोर में खुद आज तक की टीम है। साइक्लोन यास ने दस्तक दे दिया है बालासोर में। पीछे देख सकते हैं किस तरह से अब जो कोस्टल एरिया के इलाके में आसपास की दुकान है उन्हें खाली किया जा रहा है। आपको पता था तूफान आ रहा है, अभी आसपास क्यों कर रहे हैं सब? अरे ये इतना दूर तक कभी नहीं पानी आता है। जो आसपास दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिए दुकानों तक पानी आ रहा है जो कि कई फीट ऊपर है। यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी बालासोर के दक्षिण में आज सुबह 9 बजे के करीब यास तूफान का लैंडफॉल शुरू हुआ था, यानी ये तट से टकराया और ये लैंडफॉल करीब 4.5 घंटे तक चला। बालासोर और भद्रक के धामरा के बीच ओडिशा के पास यास तूफान टकराया। इसमें हवा की रफ्तार 140 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। दोपहर 1:30 बजे के बाद तूफान कमजोर होकर आगे बढ़ गया, लेकिन तब तक बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर की कोस्टल लाइन से लेकर जाजपुर, मयूरभंज जिलों तक ओडिशा में भारी तबाही मच गई।
चक्रवात यास के बाद अब तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कई बोलेंगे कि द वर्स्ट इज ओवर, यानी सबसे बुरा पार्ट जो है, जो हिस्सा है वो निकल चुका है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से पेड़ गिरे हुए हैं, हाई टेंशन वायर्स हैं वो गिर चुकी है। देखिए किस तरह से ये पेड़ टूटे हुए हैं। यहाँ पे उड़ीसा पुलिस यहाँ पे लगी हुई है तो हटाने की कोशिश है, जबकि जो रास्ता है अगर आप यहाँ से देखें तो लोग गाड़ी मोड़ के लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से जगह जगह आप ये देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है ये टूट के गिर चुका है, तो अपने आप में एक खतरा भी बना हुआ है। ये भद्रक जिले के उस घामरा की तस्वीरें हैं जहां तूफान सीधे टकराया था। गांव के गांव, घर के घर, खेत सड़क सब डूबे हुए हैं। समंदर का पानी कई कई किलोमीटर तक पहुंच गया। एक एक जान बचाने की बड़ी चुनौती है। हम लोग ये कोशिश में हैं, कोई लोग अगर कहीं रह जाए पानी तो हम कल तो सब 100% इवैक्यूएशन कर चुके थे। जिनका पक्का घर था हम उसके कॉन्टैक्ट में हैं, अगर चारों तरफ पानी हो जाएगा तो उनको कैसे खाना पहुंचे और कैसे सही ढंग से रहेंगे, उनका कोई दिक्कत ना होंगे ये देखने के लिए। और कहीं जगह पर अगर रास्ता बंद है, कहीं पेड़ वगैरह गिर गया होगा तो इसको तुरंत हम इसको हटा के कैसे रेस्टोरेशन काम होगा, इसलिए हम बाहर अभी निकले हुए हैं। हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे जैसे लोगों को तकलीफ ना हो। कोस्टल लाइन पर गांव के गांव डूबे हुए हैं। समंदर की लहरें 10-10 फीट तक ऊपर उठ रही हैं। इससे बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के निचले इलाके लगातार समंदर के पानी से भरते जा रहे हैं। ऐसे निचले इलाकों में करीब 3 लाख लोगों को पहले ही हटा लिया गया था। खतरे वाले जिलों में करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। इसीलिए जान का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अभी बड़ी चुनौती ये है जहां घरों और सड़कों पर पेड़ गिरे हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, जहां पावर लाइन ध्वस्त हो गई है उसे फिर से शुरू किया जाए। राहत और बचाव के काम में ओडिशा में एनडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमें लगी हैं। खुद वहां पर अलग अलग विभाग जुटे हुए हैं। दोपहर के बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। हम अभी मैंने सब जगह जगह हम मैंने आगे पहले रोड क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम जो ब्रांच रोड मेन रोड क्लियर कर रहे हैं उसके बाद ब्रांच रोड क्लियर करेंगे। अभी हमको खबर मिला है कि एक पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट है, इधर हम उसको रेस्क्यू करने के जा रहे थे। अभी देखा है रास्ता जाम है, अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं, क्लियर करने के बाद उसको लेके जाएंगे। तूफान से लड़ने के ओडिशा मॉडल की तारीफ होती है, लेकिन तूफान भले ही ओडिशा के तटीय इलाकों से आगे बढ़ गया हो, खतरा अभी टला नहीं है। वहाँ 9 जिलों में भारी बारिश की रेड वार्निंग है। आगे बड़ा खतरा दूसरे राज्यों को भी है। तूफान ओडिशा के मयूरभंज को पार करके आगे झारखंड में जाएगा और इसका असर बिहार और पूर्वी यूपी तक होगा। ये जो सिस्टम है ना, ये धीरे धीरे जो है झारखंड में प्रवेश करेगा, तो इसीलिए झारखंड जो है आज नाइट से स्ट्रांग विंड जो है 80 से 100 किलोमीटर, इवन हमारा जो आभ्यंतरीण जो अंदर इलाका है ओडिशा झारखंड से लगा हुआ है वो भी यही वेदर होगा, सीवियर वेदर अभी आज इवनिंग या नाइट से कल इवनिंग तक। झारखंड में हम लोग रेड कलर वार्निंग जारी किया है आज और कल के लिए, और रेनफॉल 20 से 30 सेंटीमीटर रहेगा झारखंड में एक या दो जगह पर, रांची, जमशेदपुर। और धीरे धीरे ये सिस्टम जो है हमारा जो दक्षिण बिहार है और जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश है जो जिले हैं, और जो ऑल्सो जो है ना 27 नाइट और 28 दिन में हमारा पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में ये सिस्टम जाके वीक होगा। झारखंड में यास तूफान पर हाई अलर्ट है, भीषण बारिश का अनुमान है, इसीलिए खतरे वाले इलाकों से लोग हटाए जा रहे हैं। तूफान भले ही कमजोर पड़ गया लेकिन तैयारियां कमजोर हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान से लड़ने के ओडिशा मॉडल की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि ओडिशा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा तूफानों का सामना करता है और जिसने सबसे ज्यादा तूफानों की तबाही देखी है। लेकिन अब ओडिशा ने तूफान से होने वाली तबाही को कम से कम कर लिया। 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया था, इसमें 10,000 के करीब मौतें हुई थी। लेकिन एक दशक के बाद ओडिशा ने अपनी तैयारियों को इतना मजबूत किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। 2013 में तूफान फैलन में 45 लोगों की जान गई, 2019 में तूफान फानी में 64 मौतें हुई,
तूफानों से बड़ा आर्थिक नुकसान तो होता रहा है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाई गई है। खास तौर पर ये उस इलाके के लिए बड़ी चुनौती थी जहां पिछले 130 साल में 100 से ज्यादा भयानक तूफान आ चुके हैं। ऐसा तकनीक की वजह से भी संभव हुआ क्योंकि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जहां तूफान पर सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया। अपनी 480 किलोमीटर की कोस्टल लाइन में उड़ीसा ने खतरे वाले सभी इलाकों की पहचान की। 22 ब्लॉक के 1205 गांवों को अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस किया। समुद्र तट से 1.5 किलोमीटर के दायरे में पूरे कोस्टल लाइन में 122 जगहों से निगरानी शुरू की। तकनीक का एक फायदा यह भी मिला कि पहले जहां 3 दिन में पहले ही किसी तूफान का अलर्ट मिलता था, वहां पर 5 दिन पहले अलर्ट मिल जाता है। इससे तैयारियां करने में ज्यादा समय मिल जाता है। तूफान तो चंद घंटों के लिए आते हैं लेकिन अपने पीछे इतनी तबाही छोड़ जाते हैं जिसकी भरपाई करना कई बार वर्षों तक संभव नहीं हो पाता। पिछले साल बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया। अम्फान से बांग्लादेश में हुआ नुकसान भी तकरीबन 946 करोड़ रुपए के बराबर है। 2019 में बुलबुल तूफान ने पश्चिम बंगाल को तकरीबन 24,500 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई। साल 2019 का फानी तूफान भी उड़ीसा को 14,600 करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचा कर गया। साल 2015 में कोमेन तूफान की वजह से बंगाल में 4,490 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बंगाल की खाड़ी दुनिया के महासमुद्रों के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.6% है, लेकिन तूफानों से होने वाली हर 5 में से 4 मौतों का जिम्मेदार यहां आने वाले तूफान है। 1970 में बंगाल की खाड़ी से उठे भोला तूफान से बांग्लादेश में 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन ने करीब 10,000 लोगों की जान ले ली थी। 2020 में दुनिया भर में आई प्राकृतिक आपदाओं से करीब 18,90,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। इसमें तूफानों से हुआ नुकसान 5.6 लाख करोड़ था, बाढ़ से 5.5 लाख करोड़, खराब मौसम से 4,58,000 करोड़, जंगल की आग से 1,38,000 करोड़, सूखे से 80,000 करोड़, भूकंप से 72,800 करोड़ और ठंड से 36,400 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। ये सारे आंकड़े हमने रिस्क मैनेजमेंट पर हुए रिसर्च पेपर्स से लिए। अब 2021 का पहला चंद्र ग्रहण भी आज दिखा। आज का चंद्र ग्रहण बहुत खास था क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी 3 खगोलीय घटनाएं एक साथ हुई। आज सुपर मून, रेड ब्लड मून और पूर्ण चंद्र ग्रहण एक साथ हुए। पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो आम दिनों के मुकाबले वो 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखता है। इसे ही सुपर मून कहते हैं। आमतौर पर एक ही अंग्रेजी महीने में 2 फुल मून यानी 2 पूर्णिमा की तिथियां जल्दी नहीं पड़ती हैं, और अगर ऐसा कभी होता है तो उसे फुल मून या ब्लू मून कहा जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा जा रहा है। इसमें सूरज पृथ्वी के दूसरी ओर होता है, इसीलिए पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है। ऐसे में चांद लाल रंग का दिखने लगता है। इसे ब्लड मून कहते हैं। साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:17 पर शुरू हुआ, शाम 7:19 पर समाप्त हुआ। चंद्र ग्रहण पूरे भारत में नहीं दिखा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। हालांकि बंगाल और उड़ीसा के जिन हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखना था वहां भी कई जगहों पर यास तूफान की वजह से ग्रहण नहीं दिखा। भारत में चंद्र ग्रहण दोपहर 3:15 से दिखना शुरू हो गया था और शाम 6:23 पर समाप्त हो गया। चंद्र ग्रहण भारत में तो पूरी तरह नहीं दिखा लेकिन पूर्वी एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई दिया। इससे पहले ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगला चंद्र ग्रहण 15 मई 2022 को होगा और यह पूरे भारत में आसानी से दिखाई देगा। क्या देश में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे? कल तक ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक नया सवाल ट्रेंड करने लगा और वो सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर प्राइवेसी की गारंटी खत्म होने वाली है? इसे एक सवाल में 4 सवाल जिनके एक एक करके हम आपको जवाब देंगे।
पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइंस जारी की थी। इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था। इन्हें लागू करने की डेडलाइन 25 मई को रात 12 बजे तक थी। ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नए नियमों को लागू नहीं किया है, बल्कि व्हाट्सएप तो इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। इसकी वजह आपको बताएंगे, पहले आप ये जान लीजिए कि सरकारी गाइडलाइंस में ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया कंपनियां उनका पालन करने में हिचकिचा रही हैं। गाइडलाइंस में मुख्य रूप से 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि सभी सोशल मीडिया कंपनियां भारत में अपने 3 अधिकारियों चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करें जो भारत में ही रहते हों। दूसरी शर्त यह है कि यह प्लेटफॉर्म ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें शिकायत पर 24 घंटे के भीतर अधिकारी ध्यान दे और 15 दिन के भीतर शिकायत पर एक्शन लिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि तकनीक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाए जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण जैसे कंटेंट की पहचान करके उसके प्राइमरी सोर्स का पता लग सके। चौथी शर्त यह है कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर हर महीने आई शिकायतें और उन पर लिए एक्शन की रिपोर्ट पब्लिश करें। 50 लाख या इससे ज्यादा यूजर बेस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये गाइडलाइंस लागू करनी थी। अब तक सिर्फ भारतीय सोशल मीडिया कंपनी कू ने गाइडलाइंस का पालन किया है, बाकी सोशल मीडिया कंपनियां अभी तक इन नियमों को लागू करने में आनाकानी कर रही हैं। लेकिन भारत में करोड़ों यूजर बेस वाले व्हाट्सएप ने तो नए नियमों की संवैधानिकता को ही चुनौती दे डाली है और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जहां अपनी याचिका में व्हाट्सएप में नई गाइडलाइंस के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई तर्क दिए हैं। नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच सोशल सियापा बढ़ गया है, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बता दिया है कि वो क्यों नई गाइडलाइंस लागू नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ शिकायत में व्हाट्सएप ने तर्क दिए हैं कि नए नियम भारत के संविधान में निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नए नियम के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर्स की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उनकी पहचान बतानी होगी। कंपनी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, पर अगर नए नियम लागू हुए तो उन्हें यूजर्स की जानकारी सरकार के साथ शेयर करने के लिए मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, क्योंकि नियमों में ये नहीं बताया गया है कि किसी कंटेंट को ट्रेस करने का आधार क्या होगा। व्हाट्सएप ने इन तर्कों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें नए आईटी नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और इसे लागू करने से रोकने के लिए भी मांग की गई है। New rules will adversely impact the privacy and security of our communications, especially on encrypted platforms like WhatsApp and Signal. This is the first time that such a provision, a traceability provision, is introduced in the law in any country across the world. व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में नए नियमों को न सिर्फ यूजर्स की निजता के अधिकारों का उल्लंघन बताया है, बल्कि इससे संभावित नुकसानों की भी व्याख्या की है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में कहा है कि नए नियम व्हाट्सएप के करोड़ों यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में डाल देंगे। नए नियमों से उन पत्रकारों को खतरा हो सकता है जो ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। नए नियमों से सिविल और पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को खतरा हो सकता है जो किसी सरकारी पॉलिसी का विरोध करते हैं। नए नियमों से नागरिकों को ट्रेस होने और उन पर एक्शन होने का डर सताएगा, जिससे वो बिना डरे अपनी बात नहीं कह पाएंगे। नए नियम से सरकार को बिना किसी रोक टोक के किसी की निगरानी करने की छूट मिल सकती है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नए नियमों से किसी भी सोशल मीडिया यूजर की जानकारी गुप्त नहीं रह सकेगी। व्हाट्सएप के तर्कों की आड़ लेकर विपक्ष ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। तकनीकी अगर रीढ़ की हड्डी है निजता की, तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। अगर आप उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं किसी सरकार को, इस सरकार ने तो हद कर दी है, लेकिन आप किसी सरकार को ऐसा पावर दे देंगे तो निजता क्या रहेगी? अगर आप इन आदेशों के आधार पर यह कहेंगे कि तुम बताओ मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम, या मैं कहता हूं कि देश की सुरक्षा अक्षुण्णता या विदेशी रिश्तों में आघात है, इसलिए इस आदमी को रोक दो, इसका इसको ब्लॉक कर दो,
और मेरा आदेश नहीं मानोगे तुम तो मैं एक्ट के अंदर की सुरक्षा चक्र हटा देता हूं तुम्हारे से, तो फिर क्या रह गया निजता का। व्हाट्सएप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कब सुनवाई करेगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब भी सरकार को ट्विटर और इंस्टाग्राम के जवाब का इंतजार है। फेसबुक ने बयान में कहा कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, हालांकि वो किसी मुद्दे पर स्पष्टता को लेकर लगातार सरकार के संपर्क में है। गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं। यानी अभी भी नए नियमों को लागू करने को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से स्थिति साफ नहीं है, लेकिन नए नियमों की संवैधानिकता को लेकर व्हाट्सएप ने एक बहस तो छेड़ ही दी है। And they claim that traceability violates the fundamental right to privacy. That is far from the truth. Traceability is not a violation of privacy. There are technological solutions that are available to these platforms that allow them to trace illegal content when governments and law enforcement agencies require them to pinpoint who created illegal content. It's time that these platforms became more accountable to the consumers that they serve and the countries and communities that they do business in. कुल मिलाकर सोशल मीडिया कंपनियों के अपने तर्क हैं और भारत सरकार के अपने तर्क, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना कड़ी चुनौती है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दरअसल ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जो अधिकारी हैं वो दूसरे देशों में बैठते हैं। जब उन पश्चिमी देशों को अपने यहाँ आतंक निरोधी या ऐसी किसी गतिविधि के लिए कोई जानकारी चाहिए होती है उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हें नाकों चने चबाने पड़ जाते हैं और इसीलिए भारत में क्यों उनका कोई अधिकारी नियुक्त नहीं हो सकता है ये समझ से परे है। भारत के लिए अलग और दूसरे देशों के लिए अलग नियम इन सोशल मीडिया कंपनियों की आखिर क्यों हो, निजता की बात अलग है। बहरहाल यहां समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका में नई गाइडलाइंस के सभी नियमों पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि यह विवाद सिर्फ एक नियम को लेकर उठाया जो ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी कंटेंट के प्राइमरी सोर्स की जानकारी शेयर करनी होगी। अब इन आरोपों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से जवाब आया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है, सरकार का इसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। व्हाट्सएप को किसी खास मैसेज के स्रोत का खुलासा करने की जरूरत तभी होगी जब किसी खास मैसेज पर रोक जरूरी हो या गंभीर अपराधों की जांच और सजा का मसला। मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और फर्जी न्यूज पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जरूरी हैं। भारत में चलाए जा रहे कोई भी ऑपरेशन देश के कानून के दायरे में आते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार करना सीधे सीधे देश के कानून की अवहेलना है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से सभी मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा गया है कि उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले डिजिटल नियमों का पालन किया है या नहीं किया। वैसे भी ये सच है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करता हो, जबकि कई देशों में बाकायदा इसको लेकर कानून है। कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। जर्मनी में इसको लेकर नेट्स डीजी नामक कानून है जो सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने के लिए बाध्य करता है। इसका पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर 5 करोड़ यूरो तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2019 में शेयरिंग ऑफ अबॉरेंट वायलेंस मटेरियल एक्ट पास किया गया था। इसके तहत विवादित और आपत्तिजनक पोस्ट को 48 घंटे में सोशल मीडिया से हटाना होता है। कानून का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माने की राशि कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के 10% के बराबर हो सकती है। साथ ही कंपनी के टेक्निकल एग्जीक्यूटिव्स को 3 साल तक की जेल हो सकती है। चीन में सोशल मीडिया पर सबसे सख्त सेंसरशिप कानून लागू है जिसकी वजह से वहां ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रतिबंधित है। जो वहां पर बनते हैं वही प्लेटफॉर्म्स वहां पर हैं। वहां के लोगों को इनके चाइनीज विकल्प दिए गए हैं लेकिन इन पर चीन की सरकार का कंट्रोल रहता है और सरकार लगातार उन्हें मॉनिटर करती है। रूस में 2015 में लागू हुआ डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपनियों पर यह बंदिश लगाता है कि रूस के लोगों से जुड़े डेटा को रूस में ही लगे सर्वर में स्टोर करना होगा। हालांकि अमेरिका में भी भारत की तरह अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं है, लेकिन भारत की तरह वहां भी अब सोशल मीडिया के लिए कानून की मांग उठने लगी है।
भारत में अभी तक किसी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ने नई गाइडलाइंस को लागू नहीं किया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए नियम लागू नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसका नुकसान सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में लीगल इम्यूनिटी खोकर चुकाना पड़ सकता है। ये लीगल इम्यूनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के सब सेक्शन 1 में मिली हुई है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल भारत में इंटरमीडियरी यानी बिचौलिए के तौर पर दर्ज है। यानी अगर कोई यूजर किसी पोस्ट को लेकर कोर्ट जाता है तो इन प्लेटफॉर्म्स को अदालत में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। अगर सरकार ये इम्यूनिटी हटा लेती है तो इन प्लेटफॉर्म्स का इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी अदालत में आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे चलाए जा सकेंगे। अब सभी को भारत सरकार के अगले कदम का इंतजार है जिससे तय होगा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भविष्य क्या होगा। अब बात दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की, जो वैक्सीन की भारी कमी से जूझ रहा है। हालत यह हो गई है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीनेशन ड्राइव पर ब्रेक लग रहा है, वो भी तब जब वैक्सीनेशन को तेज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। 25 मई तक देश में 21,89,00,000 वैक्सीन डोज दी गई हैं, यानी वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च होने के 100 दिन बाद देश की 3% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया से काफी पिछड़ा हुआ है और इस सब की सिर्फ एक ही वजह है और वो है वैक्सीन की कमी। और वैक्सीन की सबसे कमी की सबसे बड़ी वजह जो नजर आती है वो है वैक्सीन मैनेजमेंट, जिसका असर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर अब साफ झलक रहा है, वो भी तब जब कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की चेतावनी दी जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका विशेषज्ञों को नजर आ रहा है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए और हकीकत ये है कि जितनी वैक्सीन डोज थी वो खत्म होने को आ गई। जहां तक हम कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो उसकी उत्पत्ति तीन कारणों में देखी जा सकती है। पहला, एक तरफ जहां पॉलिसी लेवल पर प्रायोरिटाइजेशन के लिए काफी ध्यान दिया गया लेकिन प्रोक्योरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे थे वो ओवर एस्टिमेट था और उसको जैसा का तैसा मान लिया गया, जबकि हम यह भूल गए कि भारत जैसे बड़े देश के लिए दो मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया और हम जानते हैं कि देश में काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन की डिमांड है। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही, जबकि भारत बायोटेक एक महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़े तो ये 27 से 28.5 लाख डोज बनते हैं। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? जाहिर है विदेश से, लेकिन जब केंद्र की सलाह पर राज्यों ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकाले तो मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने कह दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। सवाल ये उठा कि क्या ये बात केंद्र सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है, ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते, भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने खुलासा कर दिया कि मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन को लेकर डील चल रही। मॉडर्ना ने इन टीकों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट सचिव बैठकें हुई हैं। फाइजर ने इस बैठक में ये कहा है कि अमेरिका सहित दुनिया के लगभग 116 देशों में इंडेमनिटी यानी लीगल प्रोटेक्शन फाइजर को दिया है। इस वैक्सीन के कई फायदे हैं। दुनिया भर में फाइजर के 14 करोड़ से भी अधिक डोजेस दिए गए हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर हैं।
ये बच्चों में भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत भी चाहता है कि ये वैक्सीन अभी यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए। सिंहा मुर्दानी, आज तक। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।